दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इंडिया टीवी डिजिटल की स्पेशल प्रस्तुति कमल नंदलाल का भविष्यफल। इस भविष्यफल में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल की, साथ ही साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सरल से उपाय, पंचांग बताएंगे और राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा विशेष उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकियों में दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यफल की पंचांग के साथ में। तो दिन है रविवार का, तारीख है 10 सितंबर 2023, भाद्रपद कृष्ण एकादशी पर चंद्रमा मिथुन राशि और पुनः प्रसु नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा काला, शुभ दिशा रहेगी नैऋत्य, राहु काल रहेगा शाम को 4:30 बजे से शाम को 6 बजे तक का। रवि पुष्यामृत योग और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा शाम को 5:06 से लेकर अगले दिन सुबह 6:04 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 7:17 से लेकर रात को 9:51 तक। विशेष क्या है, अजा एकादशी है, बड़ी खास एकादशी होती है और इस दिन भगवान श्रीधर के पूजन का विधान है और हमारा जो विशेष उपाय है वो भी अजा एकादशी से जुड़ा हुआ, पूरी जानकारी देंगे। लेकिन अभी भविष्यफल में बात करेंगे राशिफल की। मेष, समय का दुरुपयोग करने से बचें, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, वाद विवाद से बचें, उपाय ये करें कि गरीब कन्या को गुड़ दान करें। वृष, दोस्तों के साथ में मेलजोल बढ़ेगा, व्यवसायिक प्रगति के योग हैं, बड़े धन लाभ के योग हैं, परिजनों का सहयोग मिलेगा, उपाय ये करें कि पूजा घर में अशोक का पत्ता चढ़ाएं। मिथुन, कारोबार में समस्याएं आएंगी, जरूरी काम सफल रहेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विवाद सुलझाने में सफल रहेंगे, उपाय ये करें कि गेहूं के दाने कर्पूर से जला दें। कर्क, दाम्पत्य सुखद रहेगा, पारिवारिक जीवन शानदार रहेगा, क्रोध पर काबू रखें, खास काम निपटाने के मौके मिलेंगे, उपाय ये करें कि तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं। सिंह, कारोबारी लाभ के मौके मिलेंगे, सामाजिक महत्व बढ़ेगा, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धियों से सतर्क रहें, उपाय ये करें कि मस्तक पर कुमकुम से तिलक करें। कन्या, कारोबार में बदलाव लाएंगे, कला के कार्यों में रुचि बढ़ेगी, कारोबार में नए मौके मिलेंगे, अचानक लाभ के योग हैं, उपाय ये करें कि गुलाब की अगरबत्ती जलाएं। तुला, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, कामकाज में जल्दबाजी से बचें, पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा, शत्रुओं से सतर्क रहें, उपाय ये करें कि लाल पेन से ह्रीम लिखकर जेब में रखें। वृश्चिक, व्यापार के लिए कर्ज लेंगे, संतान से सुख मिलेगा, धन लाभ से मन खुश रहेगा, घरेलू काम में भागदौड़ रहेगी, उपाय ये करें कि किसी बूढ़े व्यक्ति को गुड़ दान करें। धनु, कारोबारी लाभ होगा, कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी, भाषा पर काबू रखें, दाम्पत्य सुख बढ़ेगा, सेहत के प्रति सतर्क रहें, उपाय ये करें कि पूर्वमुखी होकर दैनिक पूजा पाठ करें। मकर, नई घरेलू जिम्मेदारी मिलेगी, निवेश से लाभ होगा, कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा, रचनात्मक काम सफल रहेंगे, उपाय ये करें कि चुटकी भर रोली जल प्रवाह करें। कुंभ, घरेलू काम समय पर निपटेंगे, संपत्ति प्राप्ति के योग हैं, नई व्यापारिक योजना को लागू करेंगे, धर्म कर्म में रुचि लेंगे, उपाय ये करें कि गरीब महिला को सूजी दान करें। मीन, लोगों के संपर्क से लाभ होगा, व्यापार में अच्छे मौके मिलेंगे, संपत्ति खरीदने के योग हैं, संतान से खुशखबरी मिलेगी, उपाय ये करें कि लाल मिर्च पाउडर पानी में बहा दें। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएगा। देखिए, खास दिन है, अजा एकादशी का दिन है, ये दिन है भगवान श्रीधर के पूजन का, भगवान लक्ष्मी नारायण के पूजन का, और खास क्या है, अजा एकादशी के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि पुष्यामृत योग बन रहा है। ऐसे में आपको शुभ मुहूर्त बता दिया, तो ऐसे में क्या करें, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में केसर की खीर चढ़ाएं और इस पूरे प्रयोग में विशेष मंत्र का जाप करें, ओम श्रीधराय नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको जीवन में निश्चित रूप से सुख समृद्धि आएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमस्कार।